आपने SO Documents टैब पूरा कर लिया है और SO Items टैब में आवश्यक वस्तुओं का चयन करने के लिए तैयार हैं। इस टैब में आप दर्ज करें अथवा निम्न से संबंधित जानकारी देख सकते हैं: सेल्स ऑर्डर नंबर, सेल्स ऑर्डर डेट, आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन, UOM, सेल्स ऑर्डर क्वांटिटी, बैलेंस क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, अमाउंट। SO Documents टैब से प्राप्त किया गया एक या एक से अधिक आइटम्स का चयन करें और रिट्रीव आइटम्स पर क्लिक करें। सभी चयनित आइटम्स स्थानांतरित किए जाते हैं आइटम्स टैब की तरफ। यह सेल्स ऑर्डर आइटम डिटेल्स टैब पूरा करती है। अब आप आइटम्स टैब के लिए आगे बढ़ सकते हैं।